गुड इवनिंग दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। एक्चुअली ये क्राइम तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन मैंने देखा इधर लेटेस्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर, जैसे मेरी फ़ोटो प्रोफाइल यूज़ करना व्हाट्सएप में, बहुत सारे सीनियर पुलिस अफसर्स की, कई सारे स्टेट्स के पुलिस अफसर्स की मैंने देखी है, वो ठगों द्वारा यूज़ किया गया। तो क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बताने के लिए मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मैं 2 दिन से ड्यूटी में था। तो मैंने आज देखा कि पेपर में बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े पेज में निकला हुआ था, वो मेरा न्यूज़ निकला हुआ था कि इस तरीके से मेरी प्रोफाइल लगा के, क्योंकि मैंने ही शेयर किया था वो, इसलिए भी। देखिए उन्होंने क्या किया कि देखो, कोई भी ठगी का धंधा होता है तो 2 तरीके से होता है। एक उसमें दहशत भी होती है, दहशत से, जैसे पुराने समय में एक 384-386 का मुकदमा लिखा जाता है, भयाक्रांत करके किसी से वसूली करना, पैसा लेना, ये भी एक वही है, बस ये वर्चुअली हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है। ठग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी बात, उसमें पहले करना क्या है, हम कैसे उलझते हैं। मान लो कोई नंबर से कॉल आया, पहले तो आप सामान्य सी चीज़ समझिए, किसी भी नंबर से कॉल आया कि आपके लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है, चूँकि फोटो प्रोफाइल पे मेरी लगी हुई है, तो लोग पुलिस अफसर समझेंगे। तो सबसे पहले ये करिए, उसका फ़ोन कट करके, फ़ोन कट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फ़ोन उसका कट करिए और उसके फ़ोन के नंबर को कॉपी पेस्ट करके, अगर आपके में ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं है तो ट्रू कॉलर इंस्टॉल करिए, उसमें डाल के चेक करिए। अगर वो ठग होगा तो बहुत सारे लोगों ने स्पैम कर रखा होगा उसे, ठीक, वो आपको अलग रेड दिख जाएगा। और इनकेस बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होगा, उसने ट्रू कॉलर पे ही अपनी पुलिस प्रोफाइल बना रखी हो पुलिस अफसर के नाम से, तो आपको पुलिस अफसर शो करेगी। लेकिन एक चीज़, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आप यूपी स्टेट के रहने वाले हैं, और वो नंबर शो कर रहा है वेस्ट बंगाल का, तो भी आपको डाउट आ जाना चाहिए, ठीक। तो वो इसके लिए क्या करते हैं, सीबीआई अफसर भी बन जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस, मतलब वो भी पूरी चलाकी बरतने का कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो अभी लेटेस्ट केसों में आ रहा है, सारे नंबर +92 से स्टार्ट हो रहा है, और +92 किसका है, पाकिस्तान का। तो बगैर सोचे देखिए +92 से आ रहा है, तुरंत उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ऐसी कॉल रिसीव ही नहीं करनी चाहिए। चलो गलती से हो भी गया, तो गलती से हो गया तो सावधानी क्या बरतनी है। हम क्या कर रहे हैं कि ये सामने वाले ने तुक्का मारता है, जैसे मेरे बहुत करीबी एक दोस्त हैं, एक या दो लोगों को फोन आया, दोनों पेशे से पत्रकार हैं, ठीक। एक का छोटा सा बच्चा है, वो घर में सो रहा है, पत्नी को कॉल आया कि आपके बच्चे को रेप केस में अरेस्ट कर लिया है, जल्दी से 50,000 डालो नहीं तो हम इसे जेल भेज देंगे। तो भजाई ने 10-20 अच्छी अच्छी गालियाँ दी कि मेरे सामने सो रहा है, बेवकूफ बना रहा है मुझे। तो उनका काम ही दिन भर ट्राई मारते हैं। एक दूसरे दोस्त को किया, उनका भी यही हाल था, छोटा बच्चा, तो उनको भी फ़ोन गया, और चूँकि पत्रकार है वो देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, वो लिखते हैं साइबर पर, समझते हैं। उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि देखो इस तरीके से आया, तो मैंने उन्हें रिवर्ट में भेजा कि देखो मेरे नाम से भी, मेरी भी ये फोटो प्रोफाइल लगी है, क्योंकि उनके पास जो आया था उसमें राजस्थान के एडीजी सर की फोटो लगी हुई थी। तो ये सावधानी की जरूरत है। उसमें गलती क्या करते हैं लोग, जैसे फोन आया, फोन कॉल आई, आपने उठा लिया, अब सामने वाले को आपको बहुत आसानी से आप परख सकते हैं। बस मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैंने फोन किया आपको, मैं नकली पुलिस अफसर हूँ, मैंने आपको फोन किया कि आपके लड़के को हमने किडनैप कर लिया है, ओ सॉरी ये रेप केस में पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिए गए हैं 4-5 लोग, इसमें आपका लड़का भी, आप इसे बचाना चाहते हो तो पैसे ले आओ। तो सामने वाला क्या करता है कि हड़बड़ाहट में सारी डिटेल उल्टा आंसर उसी को दे देता है, हाँ मेरे लड़के का नाम राकेश है, मेरे लड़के का नाम राजेश है, ये है, तो अपनी बताना शुरू कर देते हैं। भाई सीधी सी बात, मेरे लड़के ने रेप कर दिया, रेप केस में पकड़ा गया, तो बताओ मेरे लड़के का नाम क्या है, पहला प्रश्न। डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो तो आप ही जानते होगे, ना वो तो नहीं जानता होगा, ठीक। तीसरा, रंग कैसा है, होलिया कैसा है। चौथा, किस जगह से पकड़ा आपने, कौन सी सिटी से पकड़ा, ठीक। तो सामने वाला खुद ही काट देगा फोन आपका, जब आप इतना पूछेंगे, है ना। हम ये नहीं करते हैं। और वो सब क्या करते हैं कि ले ले अपने लड़के से बात कर, जब ये होगा कि आप 4 प्रश्न करोगे तो वो कहेगा लो लो अपने लड़के से बात कर। जैसे मान लो किसी का बड़ा लड़का है, नहीं उन्होंने क्रॉस चेक किया बाहर है, वैसे सबसे अच्छा तरीका फोन कट करो अपने लड़के से, फोन कर लो, बात कर लो, भाई हो कहाँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले क्रॉस चेक करो, नहीं करते हैं लोग।
तो वो क्या करेंगे, लो अपने लड़के से बात करो, लड़का उसमें कोई नहीं होगा, पापा मारे पापा मारे, ऐसे ड्रामा चल रहा होगा कि मार रहे मार रहे, ताकि अगर बोलेगा तो सामने आप पकड़ लोगे कि नहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है। तो जानबूझ के वो इस तरीके से रोने का नाटक कराएगा किसी बंदे को दूर से कि आपको समझ ही नहीं आएगा रोने का कि कौन रो रहा है, कैसे रो रहा है। तो कृपया करके सावधानी रखें, ये नित नए रोज साइबर ठगी के नए नए तरीके आते हैं, किसी भी उसमें नहीं पड़ना चाहिए, तुरंत क्रॉस चेक करो। और सबसे अच्छी एक लास्ट टैगलाइन आपको बात बताता हूँ, कोई भी ऐसा हो, आपको डाउट हो, फोन डिस्कनेक्ट करो, तत्काल अपने आप लोकल पुलिस स्टेशन को फोन करके इन्फॉर्म कर दो, वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे क्या करना है। तो हम क्या करते हैं ना, हम खुद ही लीड उस मतलब सामने वाला प्रश्न करता है, खुद ही उत्तर देना शुरू कर देते हैं एडवांस, ये नहीं करनी है। और कामों में तो अभी कोई है कि एक्सीडेंट का पड़ा होगा बंदा, तो आप करोगे कि 112 आए उठा के ले जाए, पुलिस आए तो एम्बुलेंस आए तो लेके जाए, कभी खुद नहीं रखेंगे उठा के, ठीक। और एक अननोन कॉल आए तो वहां आप एंटरटेन शुरू कर देते हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है जो मुझे पूरा समझ में आया, कि हम कहीं ना कहीं बहुत लालची हो गए हैं और हम बहुत व्यक्तिवादी हो गए हैं, इसलिए तुरंत झांसे में आ जाते हैं तो, या सामने वाले की बातों में उलझ जाते हैं। कृपया करके जैसे आप हर चीज में फोन करते हो ना कि हर चीज में आए पुलिस, तो आप 112 पे ही कॉल करके बता दो कि मुझे इस तरीके से कॉल आई, तो आपको सामने वाला गाइड कर देगा। बहुत उलझने के चक्कर नहीं है, पढ़ने के चक्कर नहीं है जरूरत में किसी भी इस तरह के उसमें। और अधिक से अधिक लोगों को ये इन्फॉर्म करिए, जितने लोग भी देखें इस वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करें। अक्सर इसमें 50+ वाले फंस जाते हैं, उनका काम है तुक्का भिड़ाना, उधर से तुक्का भिड़ाया, मान लो तुक्का लड़ गया सही, तो सामने वाला उलझ सकता है, पैसे उसके जा सकते हैं। और इतना छोटा सा अमाउंट मांगते हैं कि अमूमन आदमी दे सकता है ना। तो इस ये सब में नहीं पड़े, सावधान रहें, सतर्क रहें, पहला बचाव आप स्वयं हैं, सावधानी ही आपका बचाव है। थैंक यू।